क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ 5 + 3√3 अपॉन 7 + 4√3 इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री। तो इस क्वेश्चन में हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, और ये गिवन है ए प्लस बी रूट थ्री इक्वल टू 5 + 3√3 अपॉन 7 + 4√3। तो इसमें हम इसके डिनोमिनेटर को रेशलाइज करेंगे, तो ये होगा 7 - 4√3, 7 - 4√3 सो इक्वल टू, और इसके डिनोमिनेटर में हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा 7 होल स्क्वायर माइनस 4√3 होल स्क्वायर। और इसमें पहले 5 से 7 - 4√3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 7 × 5 = 35 -20√3, और उसके बाद फिर हम इसमें 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 21√3, और ये होगा 3√3 और 4√3, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36 सो इक्वल टू 35 में 36 लेस करेंगे तो ये होगा -1 और ये होगा +√3 अपॉन 49 माइनस इसमें 4√3 का होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और √3 का 3, तो 16 × 3 = 48 तो यहाँ पे 48 लिखेंगे। ए प्लस बी रूट थ्री इक्वल टू -1 + √3 अपॉन 1, सो ए प्लस बी रूट थ्री इक्वल टू -1 + √3, सो इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट, सो वी हैव, तो रेशनल वाले को रेशनल के साथ कंपेयर करेंगे तो ये ए इक्वल टू होगा -1 एंड बी इक्वल टू होगा 1 आंसर।